इवनिंग दोस्तों, और ये आप देख सकते हैं आज हम R15 PS6 जो गाड़ी है उसके साथ ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। और आप रास्ता तो देख ही सकते हैं कितना खतरनाक है, ये देखिए। तो हम इस पर ऑफ रोडिंग का आज टेस्ट लेंगे कि एक्सट्रीम ऑफ रोड लगेगा। अभी आगे काफ़ी स्लोप है, डाउन भी है, तो उसमें देखेंगे कि गाड़ी कैसे परफॉर्म करती है। तो ये यहाँ पर चढ़ाई है, तो आप देख सकते हैं विथ पिलियन ऑफ रोड पर आपकी R15 के साथ रिस्पॉन्स रहती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बेहतरीन पिकअप गाड़ी दे रही है विथ पिलियन। हम आराम से दूसरे गियर पे चढ़ रहे हैं, इसी चढ़ाई पे भी काफ़ी चढ़ाई है दोस्तों यहाँ पे। और रास्ता तो आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी ठीक सा है फिर भी, बट काफ़ी डेंजर रोड है। आप देख सकते हैं नीचे देखे दोस्तों, यहाँ पे एक्सट्रीम ऑफ रोड हमें लग चुका है काफ़ी। यहाँ पे उतरा ही है गाइस, रास्ता आप देख ही सकते हैं, और रास्ता भी कैसा आपको लग रहा होगा, दिख रहा होगा। और विद पिलियन कैसी कंफर्टेबल देती है उतराई में, अभी ये भी ऑब्जर्व करेंगे कितनी दिक्कत आती है, कितना पेन होता है यहाँ पे आते पे, सारा आपको बताएँगे, फीडबैक बाद में लेंगे। बाकी आप अभी आप ऑफ रोड देख सकते हैं कितना भयंकर है। बाकी सारे इन्फॉर्मेशन पीछे जो पिलियन बैठे हैं, मैं राइट में फोकस करता हूँ, वही देखें कि कैसा यहाँ पर रास्ता देखने को मिल रहा है। आप रास्ता तो देख ही रहे हैं कि कैसा खतरनाक रास्ता है, ये बहुत ही ज़्यादा स्लोप है इस रोड पे, और मैं बार बार अपनी सीट से खिसक के आगे आ रहा हूँ। देखिए फीडबैक भी मिल रहे साथ साथ में, पर इतने बड़े बड़े पत्थर है और इतने घुमावदार मोड़ है कि यहाँ पे आप बैंड देख सकते हैं कितना खतरनाक बैंड है, बता नहीं पा रहे हैं, जान हथेली पे लेके राइडिंग कर रहे हैं। देखिए जगह जगह रोड खराब है, डंगे का काम बहुत ही जबरदस्त इसको बोलते हैं रोड है। आप अगर थोड़े भी इधर उधर चले गए तो फिर ढूंढ के लाना पड़ेगा आपको। ये देखिए यहाँ पे ये छोटा सा गांव, गांव भी है बट रोड की आप हालत दिखाएं लोगों को कैसा है। देखिए ये देखिए ये रोड है, ये देखिए पत्थर पुत्र कैसे गिरे हुए, देखिए ये रोड का हाल देखिए, इसको बोलते हैं रोड है, इसी को एक्सट्रीम ऑफ रोड कहते हैं। तो हम स्पेशल R15 को लाए थे कि आप जज करेंगे कि कैसे परफॉर्म करती है उतराई में, आपको पता है कितनी दिक्कत आती है ऑफ रोड पे। देख रहे हैं बड़े बड़े पत्थर, देखिए पिलियन खिसक के मेरे पास ही आ रहा है मेरी सीट पे, काफी दिक्कत है इसमें। R15 पे देखिए कैसे कैसे फिसल रहे हैं पीछे से, बहुत स्किड कर रही है बाइक, जान हथेली पे लेके चले हैं दोस्तों। पे आपको गाइस पता है कि ABS उतना ढंग से काम नहीं करता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑफ रोड पूरा नीचे दिखा है आप ढंग से कैसे हालात है। देखिए हालात तो आप देख ही रहे हैं कि कैसे कैसे हैं, और ये पिलियन बिल्कुल मेरी गोद में बैठता हुआ, यहाँ पे किसी तरह से भी रुकने का कोई चांस ही नहीं है। स्लोप इतना है रोड पे कि आप आगे रुक ही नहीं सकते, आपको आगे खिसक के आना ही पड़ेगा। R15 की जो पिलियन की सीट है वो काफ़ी कंफर्टेबल नहीं है, इसके लिए आपको सिर्फ प्लेन हाईवे चाहिए तब आप थोड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे, बट अगर आप ऑफ रोड पे विद पिलियन जा रहे हैं तो पिलियन को दर्द होना ही होना है, पिलियन पूरे सफ़र में आपका परेशान रहेगा। वो आप यहाँ पे फील भी कर रहे होंगे हमारे पिलियन जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप बताएं कितना अफोर्ड का लग रहा है आपको, कितना कैसा फील कर रहे हैं लग रहा है, जैसे कि मैं बार बार खिसक के वहीं पे जा रहा हूँ। जो गैप होता है राइडर सीट में और पिलियन सीट में, उसके अंदर बार बार खिसक के जा रहा हूँ, बार बार वहाँ से उठना पड़ रहा है। और ये रोड तो रोड बड़ा ही खतरनाक रोड है। आपने जिनसे कि R15 पे आपको पता है अगर आपकी काफ़ी उतराई है रोड पे तो आगे खिसक के आते हैं, तो पिलियन को हमेशा ये डर बना रहता है कि कब मैं आगे ब्रेक लगेगी थोड़ी और आगे। और ये फिर से वही स्लोप, उससे भी खतरनाक वाला स्लोप स्टार्ट हो गया है। ये बैंड तो आप देख ही रहे हैं, इसमें फिर ढंग से नहीं मुड़ पाए तो सीधा बंदा बाहर भी जा सकता है। ऐसा और इतना देखिए इतना बैंड है, खतरनाक है कि स्किट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आप
डेंजरस। आउटडोर देखे थे आप, देख सकते हैं आप। अगर बाहर जाते हैं तो फिर तो आप फिर रोड से बाहर जाने का मतलब है कि आप बस ऊपर पहुंच गए अगर आप रोड से बाहर जाते हैं। यहाँ कम से कम 500 से 600 मीटर की खाई है रोड के साथ में। यहाँ पे ये बार बार वैसे ही बैंड आ रहे हैं और स्लोप इतना है इस रोड पे कि अगर स्पीड कम करने की कोशिश करें तो बाइक स्किड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ऐसा इसकी ब्रेक काफ़ी अच्छी काम करती है, उतना क्या बोलते हैं स्लिप नहीं है क्योंकि एबीएस है। बट अगर आप बिना एबीएस की बाइक को लेके ऑफ रोड कर रहे हैं वो भी उतराई में, तो मैं तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप सिर्फ डिस्क वाली बाइक को लेके ऑफ रोड करें उतराई में, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा रिस्क है। अब मैं देख सकता हूँ यहाँ पे ऐसे ऐसे रोड पे जा रहा हूँ, बट यहाँ पे एबीएस है तो काफ़ी स्पोर्ट करती है मेरे को, नहीं होती है स्लिप गाड़ी। जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पथरा रोड़ा सा होता है वहाँ तो आपको पता ही, वहाँ तो गाड़ी हल्की सी स्पीड करेगी करेगी। यहाँ पे बाकी आप उतरा ही देखेगा इतना स्लोप है कि, और रोड के देखो बुरे हाल, रोड के इतने बुरे हाल है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। इसमें चलना भी मुश्किल है, बाइक चलाना तो बहुत दस की स्पीड से जा रहे हैं फिर इतनी हिल रही है। दस 15-20-25 की स्पीड से फिलहाल, और मेरे लिए बैठना बहुत ही मुश्किल। देखिए यहाँ से पूरा बैंड कैसे कैसे खतरनाक बैंड है, इसमें एकदम से तीखे बैंड है, मेरे लिए बैठ पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए वीडियो पे फोकस कर पाना। यहाँ पे रिकॉर्डिंग तो करेंगे क्या करेंगे, पीछे खिंचक रहे हैं बोल रहे हैं घर को, रिकॉर्डिंग में काफ़ी दिक्कत आ रही है, पर क्या करें, मेरा खास बंदा है। खाई देखेंगे तो आप, आपके हमेशा मिलियन व्यूज आते हैं इसका, ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलियन व्यूज और इस खास बंदा जो मेरा अनबॉक्सिंग वाला बंदा है, इसके लिए तो मेरा प्यार हमेशा ही बना रहता है। आप देख सकते हैं आज स्पेशल साथ में घुमा के लाऊंगा, और आज शाम को गाइस स्पेशल अनबॉक्सिंग वीडियो आएगी। हमने स्पेशल साउंड बार मंगवाया है R15 के लिए, क्योंकि अनबॉक्सिंग करेंगे तो ज़रूर देखें आप उस वीडियो को भी। बट अभी फ़िलहाल इस ऑफ रोड का मज़ा लें, हम टेस्टिंग कर रहे हैं। अब बात करूँ मैं अगर अपनी, तो मेरे को तो काफ़ी पैन पून कुछ भी, हाँ यहाँ पे थोड़ा हाथों में यहाँ पे फील होगा क्योंकि सारा वजन आपका आगे चलता रहता है उतराई में, क्योंकि ऑफ रोड में बिल्कुल ही हूँ नीचे को है, तो यहाँ पे सारा वजन आपका आगे चलता रहता है। बाकी चलाने में कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही है क्योंकि हैंडलिंग ही आपकी पता ही है कि R15 के लाजवाब है, तो वो महसूस भी होती है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैंडलिंग महसूस, आप जहाँ ले जाना चाहते हैं वहीं पर जाती है गाड़ी, तो ये एक खास अच्छी बात है। और R15 वर्जन थ्री आप देख सकते हैं एक्सट्रीम ऑफ रोड है ये, और हम आराम से कर भी रहे हैं, तो आप अगर करना चाहते हैं ऑफ रोड R15 पे तो बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखिए कितने बुरे हाल है रोड पे, और पिलियन बिल्कुल मेरी सीट पे आके बैठ गया है, जितने बुरे हाल है रोड के। और उतराई वाला रास्ता है ना, अगर तो आपका थोड़ा सीधा हो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ऐसे वाले रास्ते में ज़्यादा दिक्कत आती है ऑफ रोड पे। जिन्होंने ऑफ रोडिंग की है उन्हीं को पता है कि उतराई वाले रास्ते में ऑफ रोडिंग करना कितना खतरनाक होता है। ये रोड के हालात, और आगे आप देख सकते हैं कितना तीखा बैंड है, जैसे बैंड पता नहीं कितने आगे इस रोड पे। ऐसे ऑफ रोड पे क्या होता है कि आप बाइक को ज्यादा लीन भी नहीं कर सकते, नहीं लेटा सकते ज़्यादा, अगर लेटा भी तो स्लिप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आप देख सकते हैं फिर भी हम ऐसे खतरनाक रोडों को कितनी इजीली टर्न कर रहे हैं, क्योंकि R15 की खासियत है हैंडलिंग लाजवाब है, आप जैसे मर्जी टर्न हो इसमें आप ले सकते हैं। ऑफ रोडिंग भी आप देख सकते हैं मज़ा ले रहे हैं हम लोग, हाँ पेन जरूर होता है, अनकम्फर्टेबल फील है, आपके हाथों में बहुत ज़्यादा पेन हो जाएगा, अगर पिलियन भी है साथ में फिर तो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि सारा वजन आपका आगे हैंडल बार पर रहता है। तो मेरे भी काफ़ी दर्द है, मैं अभी नीचे आपको हाथ दिखाऊंगा अपने, बिल्कुल लाल हो जाएंगे, जैसे ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं किसी ने डंडे से मार दिया हो हाथ पे। बाकी आप रोड देखिए कितने बुरे हाल है, देखिए तो R15 पे मज़ा भी आ रहा है और हल्का हल्का सा पेन भी हो रहा है आगे हाथों में, इसको तो आदत नहीं होगी ऑफ रोड में गाइस, मैं पहले ही बता दूँ उसको बहुत ही एक्सट्रीम पेन होने वाला है हाथों में। मेरा तो डेली का ऐसा रास्ता है तो काफ़ी ज़्यादा हैबिचुअल भी हूँ तो उतना पेन नहीं है, बट फिर भी पेन होता है
आप अभी देख सकते हैं, ये देखिए लाइव देखिए आप कितने हाथ पेन हो गए हैं देखिए। तो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल रहता है अगर इसमें आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं सिर्फ उतराई वाले में। अगर तो आपका सीधा फिर ज़्यादा पेन नहीं रहता इस पर, बट जब आपको पता है कि उतराई आ रही है अगर से स्लोप है बिल्कुल, तो ये सारा पेन यहाँ पे जाता है और यह हाथ पूरा देखिए लाल होता है। फिर से वही खतरनाक वाला रास्ता, उतराई वाला और हाथों में दर्द करने वाला। और ये देखिए साला यहाँ पर, ये देखिए रोड देखिए आप, इधर वाला साइड देखिए, इस साइड तो बिल्कुल खराब है, देख सकते हैं साइड चलाने का कोई चांस ही नहीं है। हम तो पहले ही अभी थोड़ी ढंग की साइड पकड़ के चले हैं। और ये हम आखिरकार पहुंच ही गए पक्के वाले रास्ते पे। अब आप मेरे हाथों पे फोकस करिए जरा, ये देखिए मेरे हाथ, देख सकते हैं आप पसीना, तो काफी ज्यादा पेन आता है। देखिए यहाँ पे पसीना आ गया है, ग्लव्स भी नहीं पहनते हैं हम, लगा लो इसी ऑफ रोडिंग हम बिना ग्लव्स और राइडिंग जैकेट की पहनते हैं। देखिए